नमस्कार मेरे किसान भाइयों, और आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कि मार्केट में कितने प्रकार के ट्रैक्टर की पंपें आती हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस पंप में क्या विशेषताएं होती हैं और किस पंप में क्या नुकसान होते हैं किसानों के लिए। तो मैंने अभी यहाँ पर आपके सामने दो प्रकार की पंपें मैंने यहाँ पे ले रखी है, जिसमें ये पंप है जो कि ट्रैक्टर के साथ लग के आती है, जिसको हम एक तरीके से मार्केट में ओरिजिनल पंप के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल पंप ट्रैक्टर में केवल एक ही कंपनी की आए, ट्रैक्टर में दो तीन कंपनियों की पंपें आती हैं, जिसमें रेडरॉक्स ईटीएन डॉटी इस तरीके की पंपें ट्रैक्टर में लग के आती है, जिनको हम ओरिजिनल के नाम से जानते हैं मार्केट में। दूसरी पंपें जो आती हैं वो एक ओरिजिनल क्वालिटी को देखते हुए ही बनाई जाती हैं, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी कंपनी मार्का की नहीं होती हैं। और कुछ पंपें जो आपकी आती हैं वो बिल्कुल ही उनकी गुणवत्ता बिल्कुल ही खराब होती है। इसमें मैं पंप में बताऊं तो पंप में कुछ तीन चार मुख्य भाग होते हैं पंप के। जैसे मैंने एक पंप को मैंने खोला हुआ है आपके सामने, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक पंप है। हालांकि ये महिंद्रा ट्रैक्टर की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको पंप को खोल के दिखाता हूँ कि क्या होता है। पंप में एक ऐसे प्लेट होती है आगे की तरफ, जो कि यहाँ पे फिट होती है। एक पंप का ये पीछे वाली प्लेट होती है जो पीछे की तरफ लगती है, बाकी बीच में एक ये भाग होता है जिसको हम पंप की बॉडी के नाम से जानते हैं। तो इसमें ये बॉडी होती है, ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं, और इसमें जो ये अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं बुश। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जो देसी पंपें आती हैं उनमें ये जो बुश होते हैं, ये क्या होता है, ये सेम एल्युमिनियम मेटल के बने हुए होते हैं। इसका जो बॉडी वाला हिस्सा होता है ये सभी पंपों में एल्युमिनियम का बना हुआ आता है, और जो देसी पंपें होती हैं उनमें ये जो बुश वाला हिस्सा होता है ये भी एल्युमिनियम का बना हुआ आता है। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है कि जब ट्रैक्टर हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, ट्रैक्टर में हीट काफी हो जाता है ट्रैक्टर चलते चलते, और उसके बाद क्या होता है कि सेम मटेरियल होने की वजह से एल्युमिनियम बुश और एल्युमिनियम बॉडी होने की वजह से ये बुश आपस में चिपक जाते हैं, जिससे पंप की जो वर्किंग होती है उसमें फर्क आता है और पंप काम करना बंद कर देती है। जो दूसरी पंप है उसमें क्या होता है कि बॉडी जो होगी वो आपकी एल्युमिनियम की होगी, लेकिन जो बुश होंगे ये ब्रॉन्ज मेटल के बने हुए होते हैं, जिससे क्या होता है कि पंप गर्म होने के बाद भी ये दोनों धातुएं सेम नहीं है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि चिपकती नहीं है, जिससे क्या होता है कि पंप के बुश कभी जाम नहीं होते हैं और पंप की वर्किंग काफी अच्छी बनी रहती। तीसरी पंप ये ओरिजिनल पंप है, जिसकी हम आप सब लोग जानते हैं कि ट्रैक्टर के साथ लगी हुई आती है और बहुत अच्छी इसकी वर्किंग होती है, क्योंकि बहुत मल्टीनेशनल कंपनियां इनको बनाती हैं, इनपे पैसा खर्च करती हैं, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होती है इनकी। लेकिन दोस्तों मैं पुराने ट्रैक्टर में इस पंप को डालने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये पंप काफी कॉस्टली होती है कंपेयर टू ये जो हमारी ये वाली पंप है, जिसमें आपके ये ब्रॉन्ज के बुश आते हैं, इनके कंपैरिजन में भी ये पंप बहुत महंगी होती है, और इस पंप की किसी भी जगह कोई गारंटी नहीं आती है, जिससे अगर क्या होता है कि आपका अगर पुराना ट्रैक्टर है उसमें पहले से ही काफी सारी और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे इस पंप को चलाने पर अगर आपकी इस पंप ने किसी भी और वजह से अगर काम नहीं किया तो किसान के पूरे पैसे बेकार चले जाते हैं। जो इस तरीके की पंप आती है जिसमें ये आप देख रहे हैं जो ब्रॉन्ज के बुश होते हैं, ये हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरर होती हैं इन पंपों की, और इसकी हम लोग अपने यहाँ गारंटी भी देते हैं, लगभग तीन महीने की हम लोग अपने यहाँ गारंटी देते हैं, बाकी इसके हमारे पास जो रिव्यू है उनके हिसाब से सालों साल ये पंप चलती है। और जो तीसरे प्रकार की पंप थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जिसमें एल्युमिनियम के ही बुश होते हैं, उनकी भी गारंटी आती है, ऐसा नहीं है, दो या तीन महीने की गारंटी उसकी भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है कि कई बारी किसान के खेतों में ट्रैक्टर चल रहा होता है और काफी सारी लेबर वगैरह ऑलरेडी बैठी हुई होती है, उस समय अगर पंप में कोई दिक्कत आती है तो किसान का काफी समय बर्बाद होता है, जिसकी वजह से उसे काफी सारा नुकसान होता है। तो अगर आप बात करें कि मेरी नजर में इन तीनों में कौन सी पंप ज्यादा बेस्ट है और ज्यादा किसान के लिए रेट वगैरह को देखते हुए सही पंप है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो गनमेटल उसमें जो पंपें आती हैं, जो ये वाली पंप है, आप उसको अपने ट्रैक्टर में लगाएं, और इसका ट्रैक्टर में लगाने पर आपको
काफी अच्छा फीडबैक मिलेगा, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और ट्रैक्टर की जो वर्किंग है लिफ्ट को लेके वो बहुत अच्छी रहेगी। तो बाकी दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में आपसे और भी बात करेंगे और डिटेल में जाएंगे पंपों के बारे में, और भी ट्रैक्टर से संबंधित कोई और भी वीडियो बनाएंगे। तो आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक भी करिए। आजकल जो लिफ्ट पंप आ रही हैं, ट्रैक्टरों में परेशानियां पैदा हो रही हैं लिफ्ट चलाने में, आखिर उसका कारण क्या है? उस कारण के विषय में आपको जानना उचित है। बिना कारण ले जाने आप नई नई पंपें अलग क्वालिटी की अलग अलग पंपें लगाते रहोगे तो उससे आपको ही नुकसान है। पहले आपको ये देखना है कि हमारे ट्रैक्टर में तेल की कंडीशन क्या है, दूसरा उसमें मेटेरियल में कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिल्टर चॉकिंग तो नहीं है, कहीं एयर तो नहीं आती, इन सब बातों को पहले देखना जरूरी होता है।